चलिए आज बनाते हैं हम आलू और पालक का ग्रेवी एकदम अलग से स्टाइल में। देखिए हेलो फ्रेंड्स, आज मैं पालक बनाने जा रही हूँ, आलू और पालक की सब्जी। ये देखिए मैंने उसको ना 3-4 पानी से अच्छे से धो लिया है टैप के नीचे, तो खूब अच्छे से हमको वॉश कर लेना है। वॉश करके अभी मैं निकाल लूँगी, काफ़ी वॉश हो चुका है। ये देखिए मैंने यहाँ पर 2 गड्डी पालक लिया था और अच्छे से 3-4 पानी से वॉश कर लिया है मैंने। थोड़ा सा देर फैन के नीचे सूखने देती हूँ ताकि इसका सारा पानी निकल जाए, ताकि सब्जी हमारी सूखी सूखी ही बने, पानी ना हो। अभी इसको मैं फैन के नीचे सुखा दे रही हूँ। मैंने धो के कट करके रख दिया है पालक। चलिए बनाते हैं। आलू मैंने बॉईल करने रख दिया है, मैं इसमें बॉईल आलू का यूज़ करूँगी। हम आलू पालक की ग्रेवी बनाने के लिए पेस्ट तैयार करेंगे। यहाँ पर मैं थोड़ी सी मूंगफली सूखी भून लेती हूँ, थोड़ा ब्राउन होने तक भून लेना है हमको इसे। मैंने ग्रेवी बनाने के लिए यहाँ पर ले लिया है 1 दाना टमाटर, अदरक लहसुन और मिर्च का पेस्ट, थोड़ी सी भुनी हुई मूंगफली। अब इसमें मैं सारे मसाले ऐड कर देती हूँ। मसाले ऐड करेंगे थोड़ा सा नमक, हल्दी पाउडर, जीरा धनिया पाउडर, लाल मिर्च, कश्मीरी चिली। अब इन सब का हमको एक फाइन पेस्ट बना लेना है। हल्का सा पानी ऐड करेंगे इसमें और पेस्ट बना लेंगे। ये देखिए एकदम फाइन पेस्ट बनकर रेडी है। कढ़ाई चला ली है, मस्टर्ड ऑयल ऐड कर दिया है, गरम हो जाएगा तो अब मैं इसमें पालक ऐड करूँगी। ऑयल हो गया है गरम, पालक डाल देती हूँ। ये देखिए मैं अपना सारा पालक ऐड कर देती हूँ, अच्छे से मिक्स कर दूंगी। हमको पालक को पका लेना है अभी, बाद में इसको हम ग्रेवी में बनाएंगे। ये देखिए पालक अच्छे से मिक्स हो गया है, इसने पानी भी रिलीज कर दिया है। अब मैं इसको ढक के पका लूंगी, 5-7 मिनट तक सिम पे पका लूंगी। पालक को ओपन पका लेती हूँ पानी सूखने तक। ये हो गया है पालक, अब मैं इसको डिश आउट कर लेती हूँ। कढ़ाई चढ़ा रही है, पालक की ग्रेवी बनाएंगे। मैं यहाँ पे अभी रिफाइंड ऑयल यूज़ करती हूँ, तेल गरम होने देते हैं। तेल हो गया है गरम, जीरा और राई ऐड कर लेती हूँ। मैंने पेस्ट रेडी किया हुआ था, ये ऐड कर लेती हूँ। अच्छे से भून लूँगी जब तक ऑयल सेपरेट ना हो जाए। ये देखिए मसाला कितने अच्छे से फ्राई हो चुका है, ऑयल भी सेपरेट हो गया है। अब मैं इसमें बॉईल किए हुए आलू ऐड करूँगी। मैं बॉईल किए हुए आलू ऐड कर देती हूँ। मैंने यहाँ पर 2 आलू लिए हुए हैं, अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ, थोड़ी देर भून लेती हूँ। आलू मैंने थोड़े देर भून लिए हैं, अब मैं अपना पालक ऐड कर दूंगी, अच्छे से मिक्स कर लूंगी। ये देखिए अच्छे से मिक्स कर दिया है, थोड़ा सा पानी ऐड कर देती हूँ, नहीं तो ये नीचे चिपक रहा है। अच्छे से मिक्स कर देना है। ये देखिए थोड़ी देर सिम में ढककर पका लूंगी मैं। ये देखिए हमारा आलू पालक का ग्रेवी बनकर रेडी है। आपको कैसी लगी ज़रूर लाइक कमेंट करके बताइए, अच्छी लगी हो तो शेयर भी करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।